तो NUS ने अप्रैल-मई 2023 सेशन का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का वो डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि सर देखो आपने पासिंग क्राइटेरिया जो 10वीं क्लास में बताया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पास है, लेकिन फिर भी हमारे रिजल्ट में SYC मिल रहा है, SYCP मिला हुआ है, SYCT मिला हुआ है, AB मिला हुआ है, XX मिला हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, और मैं आपको बताऊं तो देखो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं ना मेरे चैनल पर और जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा बच्चों द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन वो रिजल्ट प्रॉब्लम को ही लेके के पूछा गया है कि सर 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का जो रिजल्ट अभी आया है उसमें जो रिजल्ट प्रॉब्लम है जैसे कि SYC हो गया, SYCT हो गया, XX हो गया, AB हो गया, इनका सोल्यूशन क्या है, और अगर 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को 33% होने के बाद भी अगर उनको ऐसा मतलब कि दिया गया है SYC, AB, XX तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए, और अगर वो देखो अब्सेंट मार्क कर दिए गए हैं NUS के थ्रू जबकि वो एग्ज़ाम दिए थे तो उस केस में उनका अब्सेंट कैसे हटेगा। कुल मिलाकर हम रिजल्ट की जो प्रॉब्लम आप लोग की अभी चल रही है वो प्रॉब्लम आपका कैसे सॉर्ट आउट होगा, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होकर यानी कि रिजल्ट आप लोग का न्यू वाला अपडेटेड यानी कि पास वाला रिजल्ट आप लोग का आपको कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे अपना रिजल्ट शेयर किया था, जैसे कि आप देखोगे एक स्टूडेंट्स ने मुझे अपना रिजल्ट शेयर किया है। देखो इन्हीं स्टूडेंट्स ने 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था अप्रैल-मई 2023 सेशन में, और इनके आप मार्क्स देखोगे ना, ये देखो इनके मार्क्स आप देखोगे तो इनको मैथमेटिक्स में 35 नंबर मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके रिजल्ट में SYC दिया गया है। एक चीज़ और ये बता रहे थे कि हमने बेसिक कंप्यूटिंग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था लेकिन बेसिक कंप्यूटिंग में हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हमें अब्सेंट मार्क कर रखा है, ये आप देखोगे तो 00 दे रखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 10वीं क्लास का पासिंग क्राइटेरिया क्या है यानी कि 10वीं क्लास में एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं और मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे होती है ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो देखो 10वीं क्लास में एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस TME तीनों का जो जोड़ है ना इक्वल में आपका 33% आना चाहिए। जैसे कि सपोज करोगे यहाँ पर इनके मैथमेटिक्स में देखोगे तो थ्योरी में इनके 7 नंबर है जो कि ये फेल है थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में इनके 12 नंबर है, 16 नंबर इनका मैथमेटिक्स में है, टोटल जो इनका बनना है ना वो 35 बनना है, और तब भी रिजल्ट में इनके SYC दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आपको इन तीनों का जोड़ करके आपको 33% लाना था जो कि ये ला चुके हैं। अब इनको क्या करना है, देखो मेल करना है, इनको मेल करना है, इनका जो ये रिजल्ट है ना ये अपडेट हो जाएगा यानी कि जो SYC है ना इसके जगह आपको पास लिखा हुआ मिल जाएगा अगर आप मेल करोगे तो, क्योंकि NUS के स्टूडेंट्स के लिए जो 10वीं क्लास में पास होने के लिए जो मार्क्स की पासिंग क्राइटेरिया रखी गई है वो 33% रखी गई है, चाहे आप थ्योरी में 33% ले आओ चाहे वो प्रैक्टिकल में 33% ले आओ, यानी कि 33 नंबर आपके आने चाहिए 100 में से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इनके 35 नंबर है मैथमेटिक्स में लेकिन फिर भी इनको SYC दिया गया है, और मैं आपको देखो 100% कह रहा हूँ कि अगर आप 10वीं क्लास में हो और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में आपको मेल करना है, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बोला है कि मेल करो मेल करो मेल करो, उन्होंने मेल किया है, उनका रिजल्ट अपडेट भी हुआ है, उन्होंने मुझे बताया भी है, उन्होंने मुझे बताया कि सर SYC हमारा हट गया, हमने मेल किया था, ठीक है। मेल करने के बाद ना आपको क्या करना होता है कि आपको 1 से 2 दिन का वेट करना होता है, आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है दोबारा से, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे आपको चेक करना होता है, रिजल्ट आप लोग को अपडेटेड वाला मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इनका एक और केस है बेसिक कंप्यूटिंग का, जिसमें ये बता रहे कि हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था बेसिक कंप्यूटिंग का लेकिन फिर भी हमें इसमें 00 मार्क्स दे रखा है। तो देखो अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है उसके बाद भी अब अगर आपके रिजल्ट में AB मार्क कर रखे हैं या फिर आपको 0 मार्क्स दे रखे हैं तो उस केस में भी आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, उस केस में भी आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, बस आपको करना क्या है मेल करना है, मेल करोगे आप लोग का रिजल्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, आप लोग को पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप जो पास हो जिस सब्जेक्ट में उसमें आपको पास लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हो उसके बाद भी अगर आपको 0 नंबर मिला हुआ है तो उस केस में आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से मेल करना है, मेल से आप लोग का रिजल्ट डेफिनेटली आप लोग का अपडेट हो जाएगा और आप लोग के मार्क्स भी यहाँ पे चढ़ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, और ये SYC जो दिया गया ना ये SYC भी आपका हट जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि रिजल्ट कैसे अपडेट हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेल कर रहे हैं, ये देखो जब आप लोग मेल डालोगे ना तो आपको फीडबैक में मिलेगा
और फीडबैक के बाद आप लोग को कुछ ऐसा ये वो लोग सेंड करेंगे आपको कि आप लोग का रिजल्ट जो है हमने फॉरवर्ड कर दिया है दोबारा से चेकिंग करने के लिए कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया है और अगर आपको अब्सेंट मार्क कर रखा है तो वो हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे मार्क्स अब्सेंट इन थ्योरी, इनके थ्योरी में अब्सेंट मार्क कर रखा है, रिजल्ट जो है वेरीफाई हो गया, स्टूडेंट सेल करेक्शन वेरीफाइड, यानी कि रिजल्ट करेक्शन हो गया है। अब इनका रिजल्ट देखो अपडेट भी हो गया है, इनको मैंने बोला था कि मेल कर देना आप लोग, इनका रिजल्ट जो है अपडेट भी हो गया है और इसी तरीके से आप लोग का रिजल्ट भी अपडेट होगा, ठीक है। हालांकि ये डैशबोर्ड में पहले लिंक मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा कि आप लोग का रिजल्ट अपडेट हो गया है, ठीक है। जो मेल अभी करोगे ना, ईमेल आईडी मैंने दे दिया आपको, उस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप लोग का रिजल्ट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझो, अगर आपको देखो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और अगर आपको SYC मिला हुआ है, SYCT मिला हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये मान के चलो कि आपने 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था मैथमेटिक्स का, ठीक है, और अगर आपको इसी तरीके से मार्क्स मिले हुए हैं, आपको थ्योरी में मैथमेटिक्स में 7 नंबर मिले हुए हैं और प्रैक्टिकल में 12 नंबर मिले हुए हैं, 16 नंबर आप लोग को TMA मिला हुआ है, लेकिन टोटल जो हो रहा है आप लोग देखोगे तो 35 हो रहा है, यानी कि 35 नंबर टोटल हो रहे और रिजल्ट में SYC दिया गया है। अगर आप देखो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि आपको 12वीं क्लास में पास होने के लिए थ्योरी में आप लोग को 33% लाना है, ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी अलग से आपको 33% लाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 10वीं क्लास में क्या होता है, सबकी टोटलिंग करके 33% लाते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में पास होने के लिए आपको अलग अलग, यानी कि थ्योरी में 33% और प्रैक्टिकल में 33% लाना होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर आप देखो प्रैक्टिकल में कम मार्क्स है तो उस केस में आपको SYCP मिलेगा, ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी में कम मार्क्स है, 33% नहीं है, तो उस केस में आपको SYCT मिलेगा, और इन दोनों ही केस में आप लोग को एग्ज़ाम दोबारा देना होगा, ठीक है, या फिर आप रीचेकिंग का ऑप्शन जाके अपना ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन भी है रीचेकिंग का भी और रिवैल्यूएशन का भी। तो देखो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि मेल करना है, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो मतलब 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको SYC मिला हुआ है, 33% आए हुए हैं, मार्क्स उनको पूरे हैं, ठीक है, और फिर भी उनको SYC मिला हुआ है, उस केस में उनको मेल करना है। या फिर अगर आपने देखो एग्ज़ाम दिया था, आपको 0 मार्क्स लगा रखा है या कम मार्क्स लगा रखा है, तो उस केस में भी आपको मेल करना है। अभी मेल से ना रिजल्ट ठीक हो रहे हैं, और देखो अभी कर लो, क्योंकि देखो सेशन ये ख़त्म होगा ना तो उसके बाद आप लोग की कोई सुनवाई नहीं होगी, दोबारा से मेल वेल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मेल आपको कैसे करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी देखो जितने भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप लोग को करना क्या है, बस मेल करना है, ठीक है, मेल कर लो। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।